नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें चार राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव के आज काउंटिंग हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। एग्जिट पोल हुआ था, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे उस आंकड़ों में नेक टू नेक फाइट थी, यानी आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस थे। लेकिन जो परिणाम आए हैं वो परिणाम कुछ और है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और तेलंगाना में कांग्रेस का। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित थी, काफी कुछ टिका था इंडिया गठबंधन का इस चुनाव को लेकर। लेकिन इसके बावजूद जो परिणाम आया है, कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी के लिए उत्साह है तो कांग्रेस और गठबंधन है उसके लिए कहीं ना निराशा है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर राम सागर सिंह है, कांग्रेस से असित नाथ तिवारी जी हैं और आरजेडी से सारिका पासवान जी हैं। सबसे पहले डॉक्टर राम सागर जी, प्रचंड जीत मिली है, पूरी पार्टी उत्साहित है, मोदी मैजिक चला। देखिए, मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और चारों प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल भी जो रिजल्ट आने वाला है वो एनडीए गठबंधन की वहां भी सरकार बनने ही वाली है। उसका कारण है, अब देश की जनता जातिवादी राजनीति को, परिवारवादी राजनीति को और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो राहुल जी को लालू जी ने जो जातीय जहर उनके दिमाग में बैठाया था, फैलाने का काम किया था और जगह जगह वो जातीय समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे थे, उसको एक सिरे से चारों प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया है। मैं दूसरी बात एक कहना चाहूंगा कि अब वो जमाना नहीं रहा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का, पहले ये मंडल और कमंडल की बात करते थे, हालांकि अब मंडल भी है और कमंडल भी है, क्योंकि जातीय राजनीति होती नहीं है। जिस एरा में ले जाना चाहते हैं लोग 90 के दशक में, उसमें नहीं अब होने वाली बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने विधानसभा और विधान परिषद के अंदर महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जो अपना वक्तव्य दिया था और जीतन राम मांझी जी के रूप में दलितों को अपमानित करने का काम किया था, उन बातों को भी नरेंद्र मोदी जी ने बड़े पैमाने पर वहां के स्टेट के लोगों के बीच रखने का काम किया था और वहां की जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया और करारा जवाब देने का काम किया है। अब आगे सारे लोगों को, चूंकि अब जो काम करेगा वही राज करेगा, 80 करोड़ जनता को जो मोदी जी कल्याण योजना के द्वारा भोजन दिए, कोरोना काल में जो लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिला, जान बचाया गया, हेल्थ में काफी काम हुआ, जो अब लोगों के बीच, जो मध्य प्रदेश में भी जो योजनाएं शिवराज चौहान जी ने लाया, तो दोनों को मिला कर करके सब जगह की जनता को ये लगा। और मैं एक बात और कह दूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया गया और खास करके के नेताओं के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, उसका बहुत बड़ा परिणाम आया है। और ये आगे उस तरह के भ्रष्टाचारी नेताओं को आगे भी जेल भेजने की और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हमारी सरकार काम करेगी और उसको जनता का समर्थन भी मिलेगा। इन लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ईडी को बदनाम करें, लेकिन देश की जनता देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट देख रही थी कि ईडी जो भ्रष्टाचारी है उन्हीं के खिलाफ काम कर रही थी और सैकड़ों करोड़ रुपया वापस आया है। जो ये लोग कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, इनको नहीं दिखाई पड़ रहा था 34 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के द्वारा जो रोजगार दिया गया था, उसमें से ज्यादा तक महिलाएं थी और दलित वर्ग से और ओबीसी वर्ग से आ रहे थे, उसका काम इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा था। फिर इन लोगों को यह भी नहीं दिखाई पड़ रहा था कि संगठन का काम
नीचे स्तर पर जाकर के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच रख रहे थे। आयुष्मान कार्ड का लाभ, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा था, पक्का मकान मिल रहा था, गैस मिल रहा था इन लोगों को, और स्वच्छ जल मिल रहा था। तो बुनियादी सुविधाओं को भी जनता के बीच पहुंचाया गया था, और बिजली भी घर घर तक पहुंचाया गया, और किसानों को तो मुफ्त बिजली देने की बात 65% से 65 पैसे प्रति यूनिट के दर से देने का काम किया गया, और बिजली उत्पादन बढ़ाया गया। कर रहे थे, और वहीं पर नरेंद्र मोदी जी जाति को गरीब, महिला, युवा और कांग्रेस के रूप में जोड़ने का काम कर रहे थे, उसका भी ये परिणाम। आप ही की बात तमाम चीजों का यहाँ पे जवाब भी लेता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस से असित नाथ तिवारी जी हैं। असित जी, इस चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित थी। जाहिर सी बात है कि जब इंडी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तक नहीं हुई, इस चुनाव के परिणाम आने का इंतजार किया, कहां चूक हो गई? राम सागर जी कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस को लालू यादव ने बर्बाद कर दिया। देखिए, भाजपा की एक आदत है, एक चुनाव जीत गए तो इतना ढिढोरा पीटेंगे कि पूछिए मत। इतने सारे इन्होंने काम कर दिए, तो कर्नाटक में काम गिनाने से किसी ने रोका था क्या? इनको गिनवा लेते कर्नाटक में, कर्नाटक क्यों हार गए? तेलंगाना में भी चुनाव लड़े थे, तेलंगाना क्यों हार गए? सारे काम भाजपा 2014 में सरकार आई तो सौर्यमंडल बना, सूर्य बना, पृथ्वी बनी, समंदर बना, पहाड़ बने, जंगल बने, बुद्ध बना, मंगल बना, गुरु बना, ब्रह्मा बने, विष्णु बने, महेश बने, सबको मोदी जी ने बनाया। तो फिर कर्नाटक में क्यों नहीं जाके बता दिया कि देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमने ही बनाए, चांद सूरज तारे पृथ्वी समंदर भी हमने ही बनाए, हनुमान से जड़ी बूटी हमने ही खुजवाई, राम का धनुष हमने ही राम को दिया था, कर्नाटक में भी बता लेते। नहीं बता पाए, लगता है उस समय ये सब बताना ये लोग जरूरी नहीं समझ पाए थे। इस बार तेलंगाना में भी, छत्तीसगढ़ में तो जाके बता दिया कि देखो सौरमंडल ही बनाया हुआ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे ही दोनों हाथ से निकले हुए हैं, लेकिन तेलंगाना में बताना भूल, छत्तीसगढ़ में बता दिया, मध्य प्रदेश में बता दिया, तेलंगाना में नहीं बता पाए, इसके पहले कर्नाटक में नहीं बता पाए, हिमाचल प्रदेश में नहीं बता पाए। इतना कुछ करने के बावजूद बता नहीं पाते हैं, अफसोस की बात कर रहे हैं। काश आपने हिमाचल में भी बता दिया होता, आपने कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी बताया होता कि देखो सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट नहीं आते हैं, मुझमें विलीन संसार सकल। बोल देते सर, क्या जाता है बोलने? सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि देश का विभाजन जिस आधार पर हुआ, वो विभाजन का आधार था सांप्रदायिक उन्माद, जिसे जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश में भड़काया था। इस देश को बांटने के दो बड़े खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और आज की तारीख के वो दो बड़े खलनायक विभाजन की बड़ी रेखा जो तैयार कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और उसी आधार पर ये बार बार चुनाव जीत रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये खुश होने का विषय नहीं है। असित जी, एक सवाल है कि अभी ठीक है, राम सागर जी ये सवाल उठा रहे हैं, राम सागर पर पूरी तरह से बट चुका है जम्मू कश्मीर को। किसने पैदा किया? वो जवाहरलाल नेहरू का पाप ने पैदा किया था, उसके वजह से आज आगे बढ़ने जिस समय चुनाव जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ रहे थे तो संगम में जनेऊ पहन करके उतरे थे नहाने के लिए, और नाम था जवाहरलाल नेहरू और लिखे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी समय दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको कहा गया कि आप जात का नाम लीजिएगा तभी जीतिएगा, तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि मैं और वही हमारी पार्टी ने आगे बढ़ाया है, तो आज इस मुकाम पर पहुंचा कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। राम सागर जी, एक मिनट, मैं और साथ मीडिया के साथ राजनीति करना चाहता हूं।
जी एक रिएक्शन सारिका जी से ले रहा हूँ। सारिका जी, इस पूरे इलेक्शन को कहीं ना कहीं एक इंडिया गठबंधन का एक टेस्ट भी माना गया, लेकिन उस टेस्ट में गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। जाहिर सी बात है कि एक मायूसी भी होगी, और इस बात को लेके भी अभी बीजेपी डॉक्टर राम सागर सिंह ये कह रहे थे कि लालू यादव ने कांग्रेस को बर्बाद किया, लालू यादव ने कांग्रेस को क्या वाकई में बर्बाद किया, जातिवाद का जहर कांग्रेस के भीतर क्या लालू यादव ने। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में है, और कहते हैं ना कि अति जो होता है ना विनाश का कारण होता है, और यही अति उत्साह जो है ना 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से लुप्त कर देगी, और बाद में कई फॉरेंसिक टीम और जांच और इतिहासकार लगेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्या चीज, वो भी दिन आएगा इनके निश्चित रूप से। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को वोट कर मांगते आई है, अरे भाई मध्य प्रदेश में हमने नहीं देखा क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता को बताइए जिन्होंने अपने एजेंडे पे बात की हो, भाई क्या कर रहे हैं, रोजगार देंगे या नहीं देंगे, मंदिर का दर्शन आपको हम मुफ्त में कराएंगे, आप रेवड़िया बांट रहे हो भाई, भगवान के नाम पे आप लोगों को ठग रहे हो, राम को बेच रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म को भी बेचती है, और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है ढिंढोला भी पीटती है हिंदुत्व को बचाने का, सनातनी होने का ढोंग भी करती है। ना भारतीय जनता पार्टी सनातनी है ना हिंदुत्व, इनको बचाने से कोई मतलब है, इनको तो बस ठगने से मतलब है। अरे ठीक है मान लिया, अभी तो छिटपुट जीते हैं, अरे जीत और हार तो कहते हैं लोकतंत्र में राजनीति में होती रहती है, लेकिन कई हमारी जो कांग्रेस पार्टी वहां से लड़ रही थी बैठ के समीक्षा करेंगे किन कारणों से, लेकिन जीत की प्रतिशत और हार की प्रतिशत भी बहुत मायने रखती है। जो वोटर्स कांग्रेस को वोट किए, जो वोटर्स बीजेपी को वोट किए, उसके वोटों में क्या अंतराल रहा, कितने मतों की अंतर रही, वो भी मायने रखती है दीपक जी। और मुझे लगता है कि आत्ममंथन का विषय है उन लोगों के लिए भी, देश के हर एक नागरिक के लिए आत्ममंथन का विषय है। अगर ऐसे मुद्दों पे लोग अगर किसी को वोट दे रहे हैं कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे लेकिन आपको मंदिर में मुफ्त दर्शन करवाएंगे, हम आपको आपके प्लेट में रोटी नहीं देंगे लेकिन हम आपको झाल देंगे बजाने के लिए, आप राम और हनुमान के नाम पे आप झाल बजाइए, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के लिए ये आत्ममंथन की बात है। और अभी हमारे राम सागर जी बोल रहे थे कि किसानों के लिए, अरे भाई आपके सांसद है जिन्होंने किसानों को कुचला था, आपके ही सांसद है जिन्होंने महिलाओं के साथ सेक्सुअली हरास किया था, आपकी सरकार बीजेपी की सरकार कई राज्यों में है जहां देखिए दलितों की क्या स्थिति है, दलितों के आप मसीहा मत बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कभी सोच ही नहीं सकती है। अगर वाकई में सोचती तो देश की 80% जो है पूंजी जो है वो हम दो हमारे दो के बीच में नहीं रहता, वो सोचते समानांतर समानता की समरसता की बात करते, जो भारतीय जनता पार्टी के मुझे लगता है कहीं भी जीन में है ही नहीं है, वो समानता समरसता भाईचारे की बात नहीं करते हैं, वो धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, धर्म की अफीम चटा के दलितों को पिछड़ों को शोषित करते हैं, शोषण करते हैं, और ताकि वो उन पर राज कर सके। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सिमिलर है, मैं तो मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सिमिलर है, अंग्रेजों की तरह ही है, अंग्रेजों के ही सिखाए बातों पे चलती है, उन्हीं को अपना आदर्श मानती है, वीर सावरकर को जो ये कहते हैं वीर सावरकर, अरे माफी वीर थे वो, उन्होंने घुटने टेके थे अंग्रेजों के सामने, उनको ये आदर्श मानते हैं, गोडसे को आदर्श मानते हैं। सावरकर का सावरकर का जीत था माफी मांगना मैडम, और सावरकर के इतना कष्ट किसी आंदोलनकारी ने नहीं झेला था, और आपकी पार्टी हमारा तो जो पीछे का आरएसएस का संगठन था जासूसी करने सामने घुटने के आपके सवाल है सारिका जी। जी सारिका जी, असित जी से एक सवाल है। असित जी, अभी 6 तारीख को आपकी पार्टी ने गठबंधन की बैठक बुलाई है, अब जाहिर सी बात है कि जेडीयू कहीं ना कहीं नाराज है, और नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आज केसी त्यागी का भी स्टेटमेंट आया है कि जो बैठक आप आज बुला रहे हैं या फिर 6 तारीख को बुला रहे हैं, ये बैठक अगर 1 महीने पहले बुलाए होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, यानी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को साथ में नहीं लिया।
मतलब अगर हम एक महीना पहले बुला लिए होते ये बैठक और केसी त्यागी जी तेलंगाना चले गए होते तो हमारी सीटें बढ़ जाती। केसी त्यागी जी का इतना जबरदस्त जनाधार है छत्तीसगढ़ में कि वो चले जाए तो केसी त्यागी जी लड़ जाए बनारस से चुनाव, मोदी जी को चुनाव हरवा दे। इतने बड़े जनाधार वाले नेता है कि केसी त्यागी जी अगर हम बैठक कर लेते और जदयू के पांच नेता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चले गए होते तो शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार जाते। तो बढ़िया है कि केसी त्यागी जी अपनी टीम लेकर लड़ के महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ले। लड़े हैं मध्य प्रदेश में जदयू वाले, कहीं 10 वोट आया अपने गठबंधन के साथी के खिलाफ। सुनिए ना दीपक जी, अपने गठबंधन के साथी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे उन्होंने, हमारे खिलाफ उन्होंने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे। जब जदयू के साथ वो गठबंधन में थे तो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, एक राज्य में भूल रहा हूँ, वहां तो बजाता 6 लोग जीत गए थे उनके, मिजोरम संभवतः में, इन लोगों ने अपने मणिपुर मणिपुर में अपने उम्मीदवार उतारे जहाँ 6 विधायक भी इनके जीते। तो जिस गठबंधन में रहते हैं उसी गठबंधन के सहयोगियों के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार देते हैं। अब बाद में चल रहे हैं ज्ञान देने के, केसी त्यागी जी बहुत जनाधार वाले नेता है तो मध्य प्रदेश में जाके लड़के सरकार बना ले, हमें सुझाव ना दे। उन्होंने हमारे साथ भीतरघात किया, पार्टी ने किया, उन्होंने नीतीश जी की नाराजगी कैसे दूर करें? सुन नहीं पाए जी जी, हमें किसी की नाराजगी दूर नहीं करनी है। नीतीश जी की नाराजगी हमें जनता से बात करनी है, करेंगे, क्योंकि ये आरोप, ये तमाम चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए क्या है ना, हमें किसी व्यक्ति विशेष को खुश नहीं करना है, हमें जनता के बीच जाकर अपनी बात रखनी है। और अपनी बात ये रखनी है कि एक आदमी जिसने चीन के सामने घुटने टेक दिए और भारत की पवित्र भूमि चीन को अर्पित कर दी, एक आदमी जिसने हमारे पुरखों की सारी कमाई जो हमारे बाप दादा कमा के अर्जित करके गए अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों बेच रहा है, जो हमारे बैंक बेच रहा है, LIC बेच रहा है, एक आदमी जिसने देश लूटने वाला हजारों किलोमीटर बासठ में देख लिए चाइना को, बीच में नहीं बोलता हूँ, जो चाइना से पैसा लेकर के राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेते हैं। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, बीच में मत बोलिए सर। एक आदमी जो हमारे देश के लूटने वालों को विदेश में ले जाकर बड़ी आराम से बसा रहा है, उस आदमी को कैसे हराया जाए? ये बात हमें जनता से करनी है। हमें जनता से बात करनी है कि युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने वाला, जिसने रोजगार पर ताले लगा रखे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला, जिसने डॉलर के सामने हमारे रुपए की औकात इतनी छोटी कर दी है कि हमारे रुपए का दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है, उस आदमी को कैसे हराया जाए? हमें ये बात करने जनता के बीच जाना है। और इसमें जिनको जिनको हमारा सहयोग करना है वो हमारे साथ होंगे, और जिनको इसमें हमारा सहयोग नहीं करना है, चीन के सामने घुटने टेक देना है, हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देना है, बैंक रेल सेल बेच के उसका कमीशन खाना है, वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। बात बड़ी साफ है। रामसागर जी, एक सवाल आपसे, आप जो बोल रहे हैं या फिर बीजेपी जो बोल रही है, सम्राट चौधरी ने कहा कि ये तो अभी आती है, बिहार अभी बाकी है, आप भी इस बात को जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होते हैं या फिर उसका जो ट्रेंड होता है और लोकसभा चुनाव, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, अलग अलग मुद्दे पे लड़े जाते हैं, क्या सिर्फ इतना ही काफी है कि आप तीन राज्यों में आपने जीत हासिल की तो 2024 आपने फतह कर ली? दीपक जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता ने जो सर आंखों पे बिठाया है नरेंद्र मोदी जी को, उनकी नीतियों को, उनके नियत को जो तजुर्बा मिली है, वो अब किसी विरोधी पार्टी में वो दम नहीं रह गया है। हम अब 24 में अब की बार 400 पार होगा, क्योंकि पहले भी हमारा 283 था, फिर 303 जनता दे दी, फिर और हम उनके लिए काम किए हैं आगे बढ़ करके, तो उसमें भी हमको अब 405 जनता करने जा रही है। और केवल हम 24 नहीं जीतने जा रहे हैं दीपक जी, हम 25 में भी जीतेंगे और 25 में बिहार में सरकार बनने जा रही है बीजेपी, बिहार की जनता भी हाथों हाथ लेने जा रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का नीति भी साफ है और नियत भी साफ है। और हम गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात है। और ये लोग को
सेवा नहीं मेवा में विश्वास करते हैं और हमारी पार्टी सेवा में विश्वास करती है। इनकी इन लोगों की सरकार जहां जहां बनती है वहां ये लोग मेवा खाना शुरू कर देते हैं और जनता देखती है। अब बिहार में ही देखिए कि जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जो जगह जगह घुसखोरी भ्रष्टाचार बढ़ा है, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे नगर परिषद हो, सारे जगहों पे भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो उसका तो बदला आगे चल करके 25 के चुनाव में जनता लेगी ही। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 14 में भी और 19 में भी जातिवादी राजनीति करने वाली जो जितनी पार्टियां थी उसके राजनीतिक दुकान पर ताला लगाने का काम की थी देश की जनता। शून्य पर आउट हुआ था राजद, शून्य पर आउट करने का काम जो पीछे भी हुआ है। तो इन लोगों को यह समझना होगा कि अब जातिवादी राजनीति से काम नहीं चलेगा, अब देश खोजता है विकासवादी राजनीति और राष्ट्र के प्रति समर्पण खोजता है, न कि परिवार के प्रति समर्पण खोजता है। ये राजद भी परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस भी परिवार पार्टी है, राजद भी भ्रष्टाचारी पार्टी है और कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये जेल और बेल वाली पार्टी मुकाबला नहीं कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का। इनको अब आगे भी जो कार्रवाई होने जा रही है उसको ध्यान में रख कर करके जनता भी 24 में भी समर्थन देगी और सत्ता में लाने का काम करेगी और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में। जी सरिता जी, 6 तारीख को गठबंधन की बैठक हो रही है, विधानसभा के जो चुनाव आने जो परिणाम सबके सामने है, अब जो गठबंधन है उसकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, सीट शेयरिंग तमाम मुद्दे, प्रधानमंत्री का चेहरा, ये तमाम चीजें अब कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। देखिए दीपक जी, फिर से मैं एक बात कहूंगी राम सागर जी के लिए और तमाम बीजेपी वाले लोगों के लिए कि अति उत्साह जो है ना विनाश का कारण हो जाता है। खुश होने का भी समय है, बिल्कुल उसको आप इंजॉय कीजिए, लेकिन कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि बिहार जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है, तो इस गलफत में ना जिए कि बिहार में 40 में 40 उनको सीटें मिलने वाली है, जो सीटें हैं वो घिसक करके शून्य हो जाने वाली है। तो इसके लिए भी बीजेपी तैयार रहे, क्योंकि बिहार जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, मुझे लगता है हर एक घर में हर एक कार्यकर्ता, हर एक आदमी जो है ना अपने आप राजनीतिक विचारधारा से इतना ओतप्रोत है और भरा पूरा है कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमला उन पे काम नहीं आने वाली है। पिछले बार इनको कैसे सीटें मिली वो भी हम सब जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का क्या जनाधार है ये हमने अमित शाह जी के रैलियों में भी देखी। खाली कुर्सियां जो है वो बयान कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी की, क्या यहाँ पे उनकी पकड़ है, जमीनी पकड़ है। और नरेंद्र मोदी जी कर गई, कुर्सियां खाली थी फिर वीजा कैसे मिली है? सरकार सवालों के जवाब दीजिए सारिका जी, तो मैंने आप कीजिएगा क्या आप लोग। देखिए दीपक जी, लगातार हम कह रहे थे पांच राज्यों में, देखिए राम सागर जी इतना खुश है ना कि खुश के मारे वो समझ नहीं रहे हैं वो कहां चल जाते हैं। अरे बिहार बिहार की बात हम लोग करिए राम सागर जी, अब ज्यादा नहीं खुश होना चाहिए, कहते ना एक्सेस ऑफ एनर्जी इज बैड, कहते ना दीपक जी एक्सेस ऑफ एनर्जी इज बैड, नहीं तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन जो है लगातार कह रहे थे हम लोग कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है और हमारे इंडिया गठबंधन की जो है हिस्सा कांग्रेस जो है 5 राज्यों में लड़ रही थी, और मुझे लगता है कि हार और जीत जो भी हो लेकिन कांग्रेस ने जिन सीटों पे भी मार्जिन है वो बहुत बेहतर होगा, वो देखना होगा, उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि लोगों का एक्चुअली क्या ये था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इंडिया गठबंधन जो 2024 के लिए हमारे गठबंधन का निर्माण हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत इंटैक्ट है, और सारे दल जो है अपने आप में अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दल है, और उसी नाते कांग्रेस जो है 5 स्टेट में चुनाव भी लड़ रही थी और हम लोगों का पूरा सपोर्ट भी उनको पीछे से था। आने वाले समय में दीपक जी मैं इसी आपके माध्यम से बता देती हूँ कि 2024 की लड़ाई जो है ना वो मुद्दे पे है लड़ाई, मुद्दा बना मोदी,
और हमारा मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, उन लोगों से बचाना है जिन्होंने देश की संपदा और संपत्ति को बेच दिया। ये कभी भी राष्ट्रहित वाले लोग हो ही नहीं सकते हैं। और 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये गुमान भी टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत भी होगी। और इस पहल में आगे हमारी जो है मीटिंग्स जो ऐसे एज़ुअल चल भी रही थी, पीछे भी कई मीटिंग्स हुई थी और आने वाले समय में भी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको इस बात से लेकर जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन जो है, एक आखिरी सवाल जी जी, राष्ट्रीय जो पंचायत का चुनाव भी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सके हैं। लालू जी विचारधारक है, कोई आम व्यक्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की न्यूनतम कांति के नाम पर हम समझ सकते हैं। अरे आप किन लोगों, आप भारतीय जनता पार्टी की न्यूनतम कांति के जो प्रधानमंत्री के चुनाव की कुर्सी जरूर आपसे छीन लेंगे वो। अस्सी जी आपने कहा कि आगे चलना है और जो हमारे साथ आएगा वो चलेगा, जो नहीं चलना होगा नहीं चलेगा। अगर नीतीश जी की नाराजगी नहीं दूर होती है, जो अभी जिस तरह का स्टेटमेंट उनके नेताओं का रहा है, आगे बढ़ जाएंगे उनको छोड़कर? गच्छतु वा यथेष्टम, जहां यथेष्ट जगह लगे, जिनको जाना है वो जाएंगे ही। गच्छतु वा यथेष्टम, देखिए आप किसी को जबरदस्ती अपने गठबंधन में थोड़े ही पकड़ के रख पाइएगा। गठबंधन तो तब ना जब मन मिले, दिल मिले, एक दूसरे के लिए लड़ने का जज्बा हो, तब ना गठबंधन। सिर्फ स्वार्थ हो तो कहे का गठबंधन, तो हम तो कहेंगे गच्छतु वा यथेष्टम। मतलब कांग्रेस और जेडीयू का अभी मन नहीं मिल रहा, एकदम सीधा और स्पष्ट बताइए। अगर किसी को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि यथेष्ट जगह कोई और है, जा सकते हैं। अब राहुल जी का ठीक है, पर सही सी बात है कि अगर मैं जगह नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये अब आने वाले दिनों में 6 तारीख को देखना होगा इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी। नीतीश जी भी नाराज है, जिस तरह से जेडीयू के नेताओं का स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ न कुछ एक गांठ जरूर है। वो गांठ क्या है, वो जब 6 तारीख को बैठक होगी तो वो पता चल जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने भाग ली। डॉक्टर राम सागर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, असित तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।